नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को एनआईए ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सरकार ने गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए बढ़ाकर 1735 रुपए प्रति क्विंटल किया। चना और मसूर का भी समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राफेल गान के वक्त सिनेमाघर में खड़ा होना जरूरी नहीं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का कांग्रेस पर हमला, कहा गुजरात चुनाव जीतने की बेकरारी में आतंकियों या नक्सलियों से भी हाथ मिला सकती है विपक्षी पार्टी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर विवादित बिल वापस लेने का दबाव बढ़ा, फिलहाल बिल प्रवर समिति को सौंपा। राजधानी दिल्ली के कमला मार्केट में भीषण आग से 100 दुकानें और गोदाम खाक हुए। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दल नोटबंदी के खिलाफ 8 नवंबर को मनाएंगे काला दिवस। फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले के मुख्य आरोपी तेलगी की मौत। इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए फिलीपींस की मदद करेगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ने कहा रोहिंग्या मामले को लेकर म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार। सीरिया के पूर्वी शहर दीरेजोर में हवाई हमलों में 22 की मौत। शी जिनपिंग 2020 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति, सीपीसी ने दी मंजूरी। भारत के जीतू राय और हिना सिद्धू ने ISSF विश्व कप फाइनल के पहले दिन 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।